सर्च ऑन यूट्यूब एग्री बाय मनोज सर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। गाइज, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2021 में एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी कि उस पेपर के अंदर कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चनों की संख्या क्या रहेगी, सिलेबस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, उन सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि कल एक नई वीडियो आने वाली है हमारी, उस वीडियो में आप सभी को बताएंगे जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र लगे हुए हैं उनसे वीडियो बनेगी, मैं नहीं बनाऊँगा, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है उन्हीं के द्वारा वीडियो बनेगी कि किस तरह से बिना कोचिंग है तैयारी कैसे कर सकते हैं, सेल्फ तैयारी कैसे कर सकते हैं, उन्होंने अपना सेल्फ तैयारी करके कैसे सिलेक्शन लिया है उसके बारे में हम एक्सपीरियंस लेंगे। तो चलिए पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद में इस बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले आपका टॉपिक ये है कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र भर्ती 2021 है उसके अंदर जो एग्ज़ाम है, टोटल जो एग्ज़ाम मार्क्स है वो कितने होंगे, यानी कि कितने नंबर का पेपर होगा। तो 300 नंबर का पेपर होगा, टोटल क्वेश्चनों की संख्या है वो 100 होगी और आपके पास में टाइम है वो 120 मिनट का टाइम रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे। तो गाइज़, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपके 3 रहेंगे, राजस्थान जीके, हिंदी और एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे सबसे पहले हिंदी के जो क्वेश्चन हैं वो आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान जीके के 25 आएंगे और एग्रीकल्चर के आएंगे 60, जिसमें से 20 तो एग्रोनॉमी के आएंगे, 20 आएंगे हॉर्टिकल्चर के और यहाँ पे 20 आएंगे यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन हैं वो आएंगे। तो ये है हमारा टॉपिक जो क्लियर हो गया एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अब सिलेबस की वीडियो है वो आप सभी को आई बटन पर यहाँ पर क्लिक कीजिए, आप सभी को ये एग्ज़ाम पैटर्न है यानी कि सिलेबस है वो मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी कल तक आ जाएगी, उस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि किस तरह से तैयारी करनी है आप सभी को। वो आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि ऑल नोटिफिकेशन आए वो आप सभी को मिलते रहें।